हमारे संविधान के भाग तीन में वर्णित है। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भाग तीन को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग की गई। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें भी मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में भी तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी इन अधिकारों की मांग की थी। कैबिनेट मिशन 1946 की सलाह पर भी एक परामर्श समिति का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के जो सदस्य थे वो इस प्रकार हैं: जेवी कृपलानी, मेनू मसानी, के टी शाह, ए के अय्यर, के एम मुंशी, के एम पड़िकर तथा राजकुमारी अमृत कौर। ये सभी मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य थे। आगे अब कुछ मौलिक अधिकारों से जो संबंधित अनुच्छेद है उसके बारे में हम बताते हैं। अनुच्छेद 12, मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होंगे। अनुच्छेद 12 कहता है मौलिक अधिकार संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होंगे। अनुच्छेद 13 में रूढ़ी परंपरा अंधविश्वास से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसे तत्व न्यायालय द्वारा अवैध घोषित हो सकते हैं। आगे है हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे पहले, जिसमें संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा हटा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे ऐड किया गया था विधिक अधिकार में, अनुच्छेद था 300A। अब जो 6 मौलिक अधिकार है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा है कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। कानून के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 15 है जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना तथा इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। आगे है अनुच्छेद 16, सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 17 ये है, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आर्टिकल 17 के थ्रू अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। और इसमें 2 अपवाद है, एक शिक्षा के क्षेत्र में और सेना को उपाधि दी जा सकती है। अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं हैं। पहली है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है शांति पूर्ण सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता। तीसरी है संगठन संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी है भारत के किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता। और नेक्स्ट है जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता। इसी अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में सम्मिलित की गई है। अनुच्छेद 20 में कोई भी व्यक्ति प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया कोई भी व्यक्ति प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने पर दंडित
किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इसी में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा राज्य को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके द्वारा राज्य को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है और अनुच्छेद 23 में मनुष्य का क्रय विक्रय बलाश्रम बेकार शारीरिक शोषण किसी भी व्यक्ति के किसी के भी द्वारा किया जाना वर्जित है। अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी कार्य में लगाना वर्जित है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। इसमें डिटेल होता है कि शॉर्ट में ही बता देते हैं हम, ठीक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30। और नेक्स्ट है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 है। अनुच्छेद 32 किसी भी व्यक्ति या राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, जो निम्नवत है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। संविधान सभा में अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। इतना ही है बस। ओके थैंक यू। नेक्स्ट 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 रूपा 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 सॉरी अगर किसी का नाम अगर गलती है स्पेल करते तो सॉरी। ओके कुछ आपको पहले से जो तैयार किए होंगे